कहना तो पड़ेगा। माननीयों के बिगड़े बोल पर क्या कहता है मतदाता, देखिए। उत्तर प्रदेश 304 विधानसभा बांसी से मतदाताओं का मूल्य मत पाकर सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले सियासत के धुरंधर, जो देश और प्रदेश की बड़ी पंचायतों में बैठकर माननीय बनकर देश और प्रदेश की बागडोर अपने हाथ लेकर आम जनमानस के भाग्य का फैसला करने वाले ही जब अपने मर्यादा भूलकर अमर्यादित शब्दों का संबोधन करने लगे, तब फिर आम जनमानस जो कि अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का अनुसरण करती हो, तब आम जनता क्या करे। जिनकी बदौलत वही जनता जिसने अपना भाग्य विधाता चुनकर एक शुद्ध सभ्य और समृद्ध समाज की कल्पना की हो, जब माननीयों के बोल ही बिगड़ जाए तो फिर मतदाता क्या करे। आइए देखते हैं माननीयों के बिगड़े बोल पर क्या कहता है मतदाता की ये खास पेशकश। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टीवी और मैं आपके साथ हूँ रवि शर्मा। लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव के रूप में हमारे सामने है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव के माध्यम से हम अपने अमूल मत देकर सियासी लोगों को सत्ता के शिखर पर पहुंचाते हैं और देश और प्रदेश की महापंचायत में बैठते हैं, जहां बैठने के बाद वो माननीय हो जाते हैं, जो नीत नियंता बनकर हमारे भाग्य का हमारे भाग्य विधाता एक तरह से देश और प्रदेश की हो जाते हैं, और वही तमाम हमारे हमारे अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, प्रदेश का फैसला करते हैं। लेकिन जब वही माननीय जो सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद माननीय हो जाते हैं, जब उन माननीयों के बोल बिगड़ जाएं, उनकी भाषा जो संसद में बैठते हो, जो विधानसभा में बैठते हो, उनकी भाषा जब संसदीय हो जाए, तब तो हमें कहना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पर, यही हमारा थीम है इस समय। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनावी क्षेत्र 304 विधानसभा बांसी में हूँ, और वैसे अगर देखा जाए चुनावी सियासत के हिसाब से तो ये विधानसभा काफी हाई प्रोफाइल है, क्योंकि प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय इसी विधानसभा में रहा, और अब चुनाव जैसा कि आपको पता है 4 चरण का मतदान हो चुका है, 3 चरण और बाकी है, धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। तो हम, हमारे साथ कुछ मतदाता है यहाँ के, हम जानेंगे कि जो माननीयों के बिगड़े बोल हैं उस पर मतदाता का क्या कहना है। क्या नाम है आपका सर? सुभाष चंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, जो जिनकी बदौलत आप अपना मत देते हैं, हम अपना मत देते हैं, पूरी जनता जनार्दन अपना मत देती है, उनको सत्ता के शिखर पर पहुंचाती है, और उन्हीं के भरोसे है ये कल्पना होती है कि एक शुद्ध सभ्य और समृद्ध समाज की स्थापना होगी, अगर उनके बोल बिगड़ जा रहे हैं तो आपका इस पर क्या कहना और क्या सोचना है? यह बोल तो केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं का ही बिगड़ता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का अपशब्द उसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आपने बताया, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस चुनाव में क्या क्या हुए हैं। किसी ने गर्मी बढ़ाई है तो किसी ने गर्मी निकाली है, किसी ने मंडाले खोलकर पैजामा नंगे घुमाने भगाने की बात करी है, किसी ने डंडे से मारकर पैजामा फाड़ने की बात करी है, यहां तक कि मतदाता को हरामखोर भी कहा गया है, जिसके एक एक मत की बदौलत वो सत्ता के शिखर पर जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? अरविंद सिंह। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सब गलत है, सब गलत है, सब कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी नेता हो, अभद्र भाषा का प्रयोग कतई उचित नहीं है। हम लोग बहुत शांत विधानसभा से हैं, यहाँ कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रत्याशी भी बहुत शांत स्वभाव के, राजा जय प्रताप सिंह, तो हम लोग ये सब नहीं पसंद करते। लेकिन 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 जो सत्ता के शिखर पर आज भी आसीन है, उनकी भी भाषा कुछ ऐसी है। हाँ तो होगी भाई उनकी भाषा, अब हम ठेका थोड़ी ना सबका लिया कि हम उनको समझा पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? गोपाल तिवारी। आप बताइए कि ये जो माननीयों के बिगड़े बोल है, इस पर आपका क्या कहना है? माननीयों के बिगड़े बोल कहाँ आए जो है, क्या बात कर रहे हैं? अभी कोई डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहा है कि जो हमको वोट नहीं देगा उसकी डीएनए टेस्ट कराएंगे, आपको नहीं जानकारी? नहीं जानकारी ऐसी तो नहीं है, हम नहीं जानकारी। मान्य जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लोग जयचंद खोज रहे हैं, मतदाताओं के बीच में जयचंद खोज रहे हैं। तो जयचंद खोजने वाले हैं तो जयचंद खोजेंगे।
तो उनके विषय में आप क्या कहेंगे? वो जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। देश और प्रदेश में जो सरकार चल रही है डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर के उसे देश प्रगत पे जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि आप अगर जिनको आपने माननीय बना दिया, जो हमारे आइडियल होते हैं, जिनका ही हम अनुसरण करते हैं, आप किसका अनुसरण करते हैं? सरकार का ही अनुसरण करते हैं, उसको ही फॉलो करते हैं। अगर उसके भाषा असंसदीय हो जाए, अशोभनीय रहे, तो आप कहेंगे ठीक है? नहीं, ऐसा तो कोई करेगा नहीं, लेकिन अगर करता है तो गलत है। सही, चलिए आपकी जानकारी थोड़ी सी करो। भैया क्या नाम है आपका, इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा ध्रुव अग्रहारी। ध्रुव अग्रहारी जी, पढ़ते हैं जी? पढ़ते हैं जी, जी। किस क्लास में जी? मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया जी। कहाँ तक पढ़े भैया जी? बीएससी कंप्लीट। बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपने देखा होगा तमाम चैनलों के माध्यम से, तमाम खबरों के माध्यम से कि एक, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आपने जरूर देखा होगा कि हिंदी में 46 लाख है और उसको इंग्लिश में 46 लाख कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है, राजनीति में शिक्षा की कमी है? जी, ये राजनीति और शिक्षा की बात देख लीजिए, ये लोग अपने अपना मतलब उल्लू सीधा करने के लिए लोग कहते हैं, ठीक है। कोई ये कहेगा कि एक मुद्दा बनाते हैं, कोई कहता है कि अभी शिक्षा में कमी है, कोई कहेगा स्वास्थ्य में कमी है, कोई बोलेगा अर्थव्यवस्था नहीं सही है। तो बट ये सब की वो जो पॉलिटिशियन है उनकी मैटर है, ठीक है, उसमें बड़े बड़े यानी ठीक है। आपका नौजवान, मैं आपकी बात ठीक है जी। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए वो सबकी मैटर है, ठीक है, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए हर कोई बोलेगा, बट हमारे विधानसभा की जो बात है तो हमारे विधानसभा में जैसे जो भाई मेरे जो उस प्रदेश की और देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठता है, वही हमारे और आपका नीति नियंता होता है, नीति बनाता है और हमारे और आपके भाग्य को 5 साल अपने हिसाब से चलाता है। और आप कह रहे हो कि वो जो बोले वो सही है? नहीं, हम तो सही नहीं बोले, हम तो ये नहीं बोले कि जो बोले सही है। क्या नाम? हम ये बोल रहे हैं कि शैलेंद्र दुबे। इस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए, ये चुनाव सरगर्मी है, नेताओं की भाषा है। जैसे आपने अभी कहा कि गर्मी निकाल देंगे, वो कहे कि घंटा बजाने के लिए भेज देंगे, तो या भी तो आप भी चाहिए उन लोगों से कि मैंने आप देखिए, मैं मेरी बात सुनिए, अगर वो घंटा हमसे बजवाएंगे तो किस आधार पर? वही 2017। मेरी बात सुनिए, बंधु, मेरी बात सुनिए। मैं ये जान रहा हूँ, मैं पार्टी या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग एक जान लें, एक मिनट, मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, मौका मैं दूंगा जी। बताइए, जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पहनावे पे विपक्ष की पार्टियां कमेंट कर रही हैं, तो परिस्थितियां कहीं ऐसी बनती हैं कि प्रत्याशी जो है उस बोल को बोल जाते हैं जी। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं बताइए। नहीं, जैसे 2017, मेरा पहले प्रश्न आप जान लीजिए, मेरा प्रश्न किसी पर कोई एलिगेशन नहीं है, मैं सिर्फ उस शीर्ष राज नेतृत्व को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो हमारा नेतृत्व करेगा, जो प्रदेश का नेतृत्व करेगा, जो देश की नेतृत्व करेगा, अगर उसकी जानकारी कम है, उसके बोल असंसदीय है, मेरा प्रश्न उन पर है। जैसे पार्टी का नहीं, नहीं, जैसे बोल जो है अपने बात को जो भी निकाले वो संभाल के बोलना चाहिए, संभाल के निकाले। पॉइंट ये है कि संभाल के निकाले जी। बस, ठीक है। पॉइंट ये है कि कोई भी हो, संभाल के निकाले, क्योंकि हम आपका अनुसरण करते हैं, जनता आपका अनुसरण करती है और जनता अपना मत आपको देकर सत्ता के शिखर पर इसलिए नहीं पहुंचाती है कि आप गुंडों की भाषा बोलो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। क्यों, क्या नाम है सर आप? सही, अभिषेक प्रताप सिंह। क्या, इधर आइए थोड़ा सा, आपका इस पे क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि अगले का जैसा व्यवहार होगा, हमारा व्यवहार वैसा होगा। बिल्कुल, जैसा सामने वाली पार्टी, अगर पार्टी हो या चाहे कोई व्यक्तिगत हो, अगर उसकी जैसी बोलचाल की भाषा है, अगर कोई मुख्यमंत्री है अच्छे कार्य के लिए बुलडोजर चलवा रहे रहा है, तो उसका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया जा रहा है, तो अगर हम दंगेश रख दें तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ठीक है, इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए। आप क्या नाम है आपका? महेश वर्मा। महेश वर्मा जी,
आपको क्या ये नहीं लगता है कि राजनीति में जिस तरह से भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है और जिस तरह से अगर आप देखे होंगे तो पिछले घटनाक्रमों को देखे होंगे कि 86 लाख को इंग्लिश में 46 लाख कहा जाता है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं शिक्षा की कमी है? राजनीति में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली पीढ़ी हमारी तभी सही बन सकती है जब इसमें शिक्षा है। यानी शिक्षा की कमी है। क्या नाम है सर आपका? महेश कुमार जी। क्या करते हैं सर? व्यवसायी हैं। अच्छा, व्यवसायी हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका क्या कहना है इस पे, जो माननीय जो हमारी अगुवाई करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे प्रदेश की बागडोर जिनके हाथ में होती है, अगर उनकी भाषा बिगड़ी है तो आपका क्या? देखिए, मैं बता दूं, मैं बांसी विधानसभा से हूं और हमारे राजा जयप्रताप सिंह की कहीं भी आप थोड़ी सी भी गलत भाषा का आप बता दीजिए। आप तो अपने आप पर ले आते हैं, मैंने जनरलाइज बात कही है, मैंने स्पेसिफिक बात नहीं कही है। मैंने सुनिए मेरी बात, मैंने बीजेपी को नहीं टोका है। अभी अभी मैं आपको बता दूं, अभी माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, माननीय हो गए, बड़ी पंचायत में बैठे, माननीय हो गए। उन्होंने कुंडा में जाकर कहा यहाँ की जनता कुंडी लगा देगी। जब रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि अगर उनकी माँ की दूध पिलाया हो तो वो कुंडी लगाकर दिखाए, क्या ये भाषा एक प्रतिनिधि को शोभा देता है? नहीं, ये किसी को शोभा नहीं देता है। पहले बांसी देखो, ये आप जान लीजिए। मैं बांसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। राजनीति के वो चेहरे में जा करके मुख्यमंत्री को भी जो है अखिलेश को भी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर बिल्कुल कहा तो सही बात कहा, बिल्कुल बिल्कुल किसी को भी नहीं कहना चाहिए। कोई भी पार्टी का लीडर हो, लीडर लीड करता है, पूरे समाज का अगुवा होता है उसको। मेरा प्रश्न ये है कि लीडर को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं, आप इसका जवाब? नहीं करना चाहिए। जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। गलत कर रहा है, बिल्कुल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। इधर आइए आप, थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम है आपका? हरिशंकर चौरसिया नाम है। चौरसिया जी, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा सिर्फ यही कहना है कि देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। रवि जी, आप एक पत्रकार हैं, थोड़ी देर के लिए अगर मैं गुस्से में आके आपको एक तमाचा मार दूं, अगर आप सबल होंगे तो आप अभी मुझे पटक के मारना शुरू कर देंगे, और अगर आप कमजोर होंगे तो आप थाना कोतवाली नियम कानून में जाएंगे। लेकिन आपको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रुकिए रुकिए, मैं आपकी बात काटूंगा। ठीक है, अगर मैं सबल हो जाऊं और आपको दो तमाचा मारूं तो हमने संविधान का खून नहीं कर दिया? संविधान मिलता कहाँ है, मांगने से छीनना पड़ता है। और आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 वर्ष में प्रदेश में संविधान की असली रूपरेखा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लिखी है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं एक व्यक्तिगत व्यक्ति हूं। मैंने देखा है, बांसी विधानसभा की बात देखी है, मैंने पूरे प्रदेश की बात देखी है कि जहां पे भूमाफियाओं का कब्जा हुआ करता था, दंगाइयों का कब्जा हुआ करता था, जहां लोग उनके समर्थन में आते थे, मुकदमे वापस हो जाते थे सरकार आने के बाद भी। अभी भी कई पार्टियों ने यह घोषणा की है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम यह मुकदमे वापस करेंगे, जितना उन्होंने जेल काटा है मैं उसका मुआवजा दूंगा। योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ना क्या नाम है, बीबी है, ना बच्चे हैं, ना सत्ता के लोभी हैं, और वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हर व्यक्ति कांपता है, क्योंकि वह जानते हैं किसके साथ कैसा प्रतिकार करना है। लेकिन 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 अगर कहते हैं संविधान की खूबसूरती, लोकतंत्र की खूबसूरती उसी में है कि आप संविधान के दायरे में रहें, और हमारे पूर्वजों ने जो अपने जान की आहुति देकर लोकतंत्र की स्थापना की थी, क्या आपको नहीं लगता राजनीति में विकृतियां आ गई हैं? क्या नाम है आपका? ये जवाब मैं दूंगा आपको, यह जवाब मैं आपको इसलिए देना चाहूंगा, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अहमदाबाद में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, अहमदाबाद के साथ साथ 2008 में पूरे हिंदुस्तान में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसमें 49 लोगों को दंडित किया गया, जिसमें से 38 लोगों को फांसी दी गई। उस 38 में 7 लोग आजमगढ़ के थे, उसमें से एक जो व्यक्ति हैं वो वो समाजवादी पार्टी के बहुत ही करीबी व्यक्ति हैं, सिरनौर गांव है शायद, वहां के हैं। समाजवादी पार्टी के जो मंच पे जाके, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में या तमाम कार्यक्रमों में जाके लोग एक दूसरे से मिलते थे, खास करके हमारे अखिलेश यादव जी या हमारे विपक्षी अरविंद केजरीवाल जी या राहुल गांधी जी या जयंत चौधरी जी या जितने भी लोग हैं मिलते थे, उन नेता ने, मतलब उन मौलाना साहब ने यह कहा है, मदानी साहब हैं, उन्होंने यह कहा था कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लिंगर होगा जो यहाँ लोग आज मुजरिम है,
ये हम भी जानते हैं मुजरिम है, आप भी जानते हैं मुजरिम है, पूरा समाज जानता है मुजरिम है, तो फिर क्यों टैक्स पेयर के पैसे से उनको बैठा के खिलाया जाता है? फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए, उनको खुलेआम मारना चाहिए, क्योंकि किसी को यह अधिकार नहीं मिला। अगर मैं सोचता हूं कि संविधान के दायरे में रहकर कार्य करूं, तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप संविधान के दायरे में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन अगर खून का बदला खून, आग का बदला आग, अगर गाली का बदला गाली से दिया जाएगा, तो क्या एक सभ्य समाज की स्थापना हो पाएगी? नहीं, कतई नहीं। क्या कहता है हमारा संविधान? संविधान सर, जैसे इस समय आज चाहे हो चाहे, जैसे सभी लोग क्या कामना करते हैं कि इसी 5 साल में हम संविधान का पालन करें, इससे पहले 60 साल 62 साल 27 32 जो भी साल हो, उसमें कभी संविधान का पालन किया नहीं गया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो नेता कसम खाते हैं उनको संविधान की जानकारी नहीं होती? नहीं, लगभग नहीं, लगभग नहीं, जानकारी नहीं होती उनको, जानकारी नहीं होती है। क्या नाम है? इधर आओ आप। क्या नाम भैया? इधर आइए नौजवान, इधर आओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? इधर आइए, आप इधर आइए, बंद करो, जवाब देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। क्या नाम है आपका? सनोज कुमार। सनोज कुमार जी, ये बताइए कि जो इधर चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश में हर जिलों में तमाम नेताओं के जो बिगड़े बोल है, उल्टी सीधी बयानबाजी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे इसमें तो नेता लोग बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बात बोल देते हैं, इस तरह से बोलना नहीं चाहिए उनको। लेकिन अब क्या किया जाए भाई, उनको चुनाव लड़ना है, जीतने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जीतने के लिए हमारे हमारे अगुवा होते हैं, हमको लीड करते हैं, पूरे प्रदेश को लीड करते हैं, तो क्या ऐसा लीडर होना चाहिए? नहीं, ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें भाई, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जनता को बेवकूफ बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। आपका क्या कहना है? भाई का कहना है जनता को बेवकूफ बनाते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि राजनीति में जैसे हर सरकारी कर्मचारी को एक योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है नौकरी पाने के लिए, प्राइवेट कर्मचारी को भी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है नौकरी पाने के लिए, उसी तरह अगर राजनीति में भी योग्यता अगर मांग ली जाएगी, तो इस तरीके के जो भी ऐसे अपवादी व्यक्ति हैं, उनका खात्मा निश्चित है। बिल्कुल, बहुत सही, ये सही बात है, ये यही सही पॉइंट है। इसीलिए मैंने कहा कि राजनीति में शिक्षा की कमी है, और जो हमारे पूर्वजों ने जो सपना सजोकर जो लोकतंत्र की स्थापना की थी, उसमें विकृतियां आ चुकी हैं, जिसमें सुधार की जरूरत है। क्यों सर? सही है, सुधार की जरूरत, बहुत जरूरत, और ये सुधार हम और आप करेंगे। और क्या, बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी बांसी विधानसभा की जनता, जिन्होंने माननीयों की बिगड़े बोल पर ये मतदाता मतदाताओं ने अपना विचार रखा कि आखिर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।